अस्सलामुअलैकुम। तो मरियम की ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे अच्छे नहीं बहुत अच्छे, और मैं भी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हूँ आप लोग की दुआ से। और आप लोग को हमारी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत 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 मुबारक। तो आओ भी नाश्ता करने के लिए, और ठंडी लग रही है बाबा, अभी वजू वजू कर गया तो बहुत ठंडी लग रही है उनके। तो मुझे एक पंखा ही चालू करके गई थी आयान के पास का, मतलब बम्बई में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी चालू हो गई है सुबह के टाइम में, है ना। घर में रहते हुए इतना पता नहीं चलता है, मगर ठंडी चालू हो चुकी है। तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा नाश्ता। आयान कर नाश्ता, और सोई थी कितने बजे, अब उठे कितने बजे, आना कितने बजे सोई था फोन? साढ़े तीन फिर मैंने जाके और जागी थी। मैंने तो साढ़े तीन या सवा चार बजे सोई, पाँच बजे था, पौना घंटा सो के वापस उठी। इससे तबीयत खराब नहीं तो क्या होगी, है ना। तो आइए चलो बिस्मिल्लाह करने आ जाओ। चलो फिर मिलती बाद में आप लोग को टाइम में, या तो मालूम नहीं। ओके, हाँ कुछ बोलेगा जरा। जुम्मा मुबारक बोल था भाई। जुम्मा मुबारक। बिस्किट खा रहा तू? बिस्किट मतलब बिस्किट चालू है तेरा उसके साथ में, हाँ। चलो फिर तो जरा तबियत अच्छी हो जाए। बंद बंद करी खाली, वैसे लाइट चालू कर। तो अनाप को ना कल से बहुत बुखार आ रहा है, बहुत फीवर है अनाप को। दवा भी लेके आए, इंजेक्शन भी लेके आए। तो आप लोग जरा दुआ करना कि अनाप का फीवर उतर जाए, और जल्द से जल्द अनाप अच्छी हो जाए। क्योंकि आप लोग अनाप को बहुत प्यार करते और हमेशा दुआ देते हैं। तो बस आप लोग दुआ करो अनाप फटाफट अच्छी हो जाए, है ना। चलो फिर आप लोग से मिलते हैं। ओके, तो माशाल्लाह देखो हमारे तरफ जुम्मा की नमाज़ हो चुकी है। अनाप यासीन पढ़ के बैठी है नमाज़ पढ़ के, अयान भी नमाज़ पढ़ के फिर उंगलियों पे तस्बीह पढ़ रहा है अयान। तो अयान भाई ज़रा सलाम करने में, अनाप की नमाज़ हो चुकी है। अरे कह लाइट चालू करा, इतना उजाला करके जा रहा है। मेरे पैर में बहुत मूंगी भर रही है, और अभी आज थोड़ा नमाज लेंगे, भी थोड़ा साफ करेंगे। और ये कल आखिर ने जो मुझे रोज़ दी थी, तो मैंने नमाज में रखी थी, वो प्यारे रोज़ थे। और नमाज में थोड़ा टिश्यू के डब्बे वब्बे सब बहुत उल्टे सीधे हो गए हैं, तो सब सही करना है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोग से। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। देखिए तो मैंने आप लोगों को जुम्मा मुबारक बोल दिया ना, आप लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो अब मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और मैंने तो फजर में भी आप लोगों को जुम्मा मुबारक बोल दी। माशाल्लाह जुम्मा बहुत अच्छा गया, सबकी नमाज यासीन सब हो गया माशाल्लाह से। मेरा तो फजर में यासीन हो गया था, मेरी आप तो भी पढ़े। और इसके साथ में थोड़ी अनाप बेचारी की तबीयत बहुत नरम गरम चालू, कभी इसको गर्म हो रहा है, कभी ठंडी लग रही, बहुत ऐसा वेदर मतलब मौसम ही ऐसा चालू है। तो तबीयत सबकी ख़राब है, मेरे को तो वही छींक का बीमारी लग गई है। जो कल जाते थोड़ा बाद में कलर करी, तो अभी वो होना ही है ना। मैं भी टाइम मौसम बहुत खराब लग रहा है, जिनसे बॉडी में पेन पेन जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मन को, कुछ दिल उलझा उलझा लग रहा है ना। मतलब खाना भी नहीं खाई, तो जूस पी और बैठी हूँ। अनाप को भी हल्दी वाला दूध पिलाई अभी गरम सरम, तो अनाप की बॉडी में भी गरम वाली फीलिंग आ रही है, जब से ठंडी वाली आ रही थी अभी उसको गरम हो रहा है ना। तो अभी अयान का भी ट्यूशन हुआ है, अभी सेकेंड बार टीचर आने वाली है,
पर गरीब लोग का काम शाम चालू है, इधर बस में बैठी हूँ। और क्या बोलूँगी तुम लोग को, और तो कुछ आज है ही नहीं, देखते अभी शाम के बाद क्या है क्या नहीं है। कुछ सोची तो नहीं हूँ, सोची थी थोड़ा रही रोड की दरगाह जाऊँगी या तो माहिम जाऊँगी, मगर देखते अभी अभी बच्ची की भी तबीयत खराब है, इसी के बाद में बताती आप लोग को। ओके चलो, बाप रे बाप रे, चलो कभी तो ये देखो अभी ये अभी आप सोच रहे थे कहाँ जा रही, तो कहाँ जा रही नहीं, बाल आइनिंग करते बैठी हूँ, सोने को जा रही थी। देखो कपड़ा कितना प्यारा वाइट के लिए, जरा आधा घंटा ही और अब उसको उतार रही हूँ। अरे मुझे अच्छा नहीं लगा, नींद भी आ रही है कुछ, मैंने अपनी टैबलेट खा ली नींद की थोड़ा जल्दी, मैंने एक दो घंटा रात को भी सोने लगा, रात को उठ के मैं 4 बजे सोई और 5 बजे उठ गई, फिर 5 बजे उठ के फिर आया स्कूल गया, नमाज हुई यासीन सब पढ़ने तक मेरा 7 बज गया, 7 फिर आना आपको बुखार था ना आपको थोड़ी गर्म और क्या ठंडी पट्टी रखने करने तक, सोने तक मुझे 8 बज गया। फिर जुम्मा तक उठना था, थोड़ा लेट ही उठी, जुम्मा था अभी तो, फिर नमाज पढ़ी करी, फिर अभी मुझे थकान जैसी भी लग रही है, तो फिर मैंने अभी कपड़े तक उतारे, इतना प्यारा ड्रेस पहनी थी और दुपट्टा तो पहनी भी नहीं, उसकी प्रेस भी खराब कर दी वाइट कलर का, और फिर अपने वही नाइटी पे आ गई। तो बाल अभी कल कराते तो थोड़ा बाल की देखभाल भी करना ज़रूरी है ना, खाली कलर करने से भी नहीं होता, तो मैंने इसको अच्छा कंडीशनर से साफ ऑफ करी, इस पर अभी कल या परसों में मास्क लगाऊंगी, तो मैंने इसको आइनिंग जरा कर देती हूँ, क्योंकि ये सब इतना मतलब लोग जो ये कलर करते हैं ना इसमें बाल की मतलब बहुत हो जाते, तो उसको देखना बहुत पड़ता है, क्योंकि बहुत हाई मतलब कलर रहता है ये सबसे ज़्यादा, जो ये क्या बोलते हैं ना ये कलर को, ये सबसे मतलब ऊपर कलर रहता है, मतलब बहुत हार्ड कलर रहता है ये, तो इसमें बाल बहुत थोड़े डैमेज तो हो ही जाते हैं, कितने भी आप बड़े पार्लर में जाओ कुछ भी करो, क्योंकि ये ऐसा ही रहता है सबसे वो कलर, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्मूथिंग कुछ नहीं कर सकते, ये तो पूरा कलर उतर जाएगा। तो इसके ऊपर मैं मास्क लगाते रहूँगी 2-2, 4-4 दिन में, तो वो मैम ने मुझे मास्क भी दिया आफरीन में, बहुत प्यारा मास्क है, जैसा हेयर स्पा अपन करते ना वैसा ही है, हेयर स्पा का काम करेगा वो, तो बोले आप नहाने से पहले 15-20 मिनट पहले लगा देना, तो माशाल्लाह बाल तो आप देख सकते हैं कितने लंबे कम्बर से नीचे लटक रहे मेरे, और थोड़ा सो के उठूँगी, फिर हुक्का पीऊँगी, 2 घंटा तो मैं रेस्ट करूँगी, समझू बोले अच्छा आराम कर लो तुम, तो और मैं अपने हाथ से आइनिंग फटाफट करके आना आप जरा करती हूँ, बहुत लेट भी करते हैं आपकी फ़िलहाल तबीयत भी खराब है, और थोड़ा वो बारीक बारीक करती हूँ मैं, जाड़े जाड़े लेके करती हूँ, हाँ मुझे बाहर जाना है, इन्हें तो अच्छा लगता है बाल अच्छे दिखते ज़रा, ये तो फिर लापरवाही से पड़े रहते हैं, मैं ज़्यादा करके आइनिंग भी बाहर रखती हूँ, है ना ना, जब बाल बड़े थे तो बाल की परवाह नहीं करे, और आज बाल में देखो ना एक्सटेंशन लगाने जाते क्या क्या करने जाते, इतने लंबे बाल थे इतने प्यारे बाल थे, जब बाल की कदर नहीं करे आज दुख होता है साला, अब बाल चाह के भी नहीं आ सकते बड़े, है ना, इतना बड़ा पहला साला चोंडा ही मेरा इतना बड़ा आता था, और देखो तो साला बहुत प्यारे बाल थे, मतलब बोलते नहीं कदर नहीं कर तो क्या क्या लगाने को जा रहे, है ना, अनाप को इसलिए बोलती बेटा बाल संभाल अनाप ने फिर बाल की मैया कर दी, तो अनाप के बाल भी बहुत बड़े बड़े, तो बहुत बड़े अच्छे, आप लोग को देखे कितने ठीक बाल थे अनाप की, कर ली एकदम, मगर अनाप ने पूरे बाल खराब कर दी, और हालांकि उसके बाल वो छोटे किसको बोली थी कटिंग करना हमारे घर में, तो बहुत शॉर्ट कर दी थी, मगर मैंने तेल डाल के उसके बाल बहुत अच्छे कर दी थी, करी थी ना अनाप, जिससे मगर अनाप ने फिर खराब कर दी, तब मैं कितनी बार करती रहूँ, यहाँ का कल नहीं जा रहा, कॉलेज जा जा के खुले रख के बक्कल लगा के सब हॉस्टल में बाल चले जाते, हॉस्टल जिंदगी भर का रहता है ना, उस टाइम बाल थोड़े संभालना चाहिए, और मेरे बाल इतने बड़े थे, बस जो पार्लर में जाऊँ मैडम इतना काटो इतना नहीं इतना काटो कर करके पूरे काट दो, आज पूरे कट गए ना, आदमी बोलता है बाल देख के प्यार किया था आदमी ने बाल ही नहीं रखी है ना, रहेगी बांस ना बजेगी बांस,
मुझे तेरे बाल देख के मैंने प्यार किया था, आधे कलस थे आधे स्टेट थे। कैसा बोलते लेडी, डिंपल के जैसे बाल थे, डिंपल के जैसे अभी हो गए पिंकल के जैसे। बोल बोल बचते बोल के शादी का सीजन है, तैयारी करने का अजमेर जाने की भी। 15 तारीख भी होगी बोलते, मैं सोचे 14 तारीख है, तो अभी मालूम पड़ा मुझे 15 तारीख है, क्योंकि 19 तारीख का मेरा टिकट है ना जाने का। आप लोग से मिलते, अगर नहीं मिले तो कल सुबह में मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी सोऊंगी कभी उसका पीते पीते थोड़ा आगे तो आगे बाद में। देखो बाल स्ट्रेटिंग हो गए अपने मस्त, अपने हाथों से काड़े टेढ़े जैसे भी। हाँ इतनी तो स्कॉलर नहीं हूँ मगर कर लेती हूँ अपना काम भी, है ना ना। मगर मुझे ना मेकअप करने का बहुत शौक है, दूसरों को मेकअप सीखने का भी बहुत शौक है। समीर को तो मैंने कितने दिन से बोली हूँ कि मैं जाती हूँ मेकअप सीखने, तो समीर तो बोल ही जाओ उसको जुदा जान के मेकअप सीखने। मुझे मेकअप सीखने का बहुत शौक है, तो बहुत शौक है। और पार्लर का काम तो मैं आधे से ज़्यादा जानती भी हूँ, नॉलेज अच्छा खासा है मुझे, मगर मुझे ना मेकअप सीखने का बहुत शौक है। मैं मेरे आईडी पे भी ज़्यादा मेकअप का देखती हूँ, फेसबुक पे भी ज़्यादा मेकअप का देखती हूँ। आइडर साइडर कुछ तैयार करना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी लाइफ में, मैं करूँगी मगर, है ना ना, क्यों करूँगी। ये देखो मस्त हो गए बात, अभी इतने ये दिखे देख सकते हैं आप। कलर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, पूरी लोग भी बोल रहे सब बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे तो पहले से यही कलर ही सूट होता है। अभी दिख आपको थोड़ा, मैंने तो फिर भी इससे थोड़ा दूर से ही किया है जैसे हमारा टच रहता है यहाँ से। अभी गर्म पानी थोड़ा 8 दिन नहाएंगे तो ऐसा नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी उतर जाता है कलर नीचे। तो चलो फिर मिलती हूँ, चलो।